नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ करुणा शंकर भी रहेंगे और खास मेहमान भी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करने जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर आज सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में मारा गया है हाफिज सईद का करीबी आतंकी। कराची में लश्कर के सह संस्थापक मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी गई है। कैसर फारूक को उस समय गोली मारी गई जब वो एक मस्जिद पहुंचा था। बाइक सवार दो अपराधियों ने फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी है। देखिए बहुत बड़ी खबर, और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें हाफिज सईद का करीबी मारा गया है, भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में। देखिए कैसे मारा गया है, ये आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। गोली मारकर कराची में, पाकिस्तान के कराची में हत्या की गई है। लश्कर के सह संस्थापक मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी गई है। बेहद बड़ी खबर है जिसकी डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लश्करे तैयबा का सह संस्थापक किस तरह से मुफ्ती कैसर मारा गया। ये दो तस्वीरें, और हाफिज की अब बारी है क्या? ये दोनों भारत के बहुत बड़े दुश्मन हाफिज सईद, जो कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और इसके ऊपर इनाम भी रखा गया है, और आज एक बहुत बड़ा झटका हाफिज सईद को लगा क्योंकि उसका बेहद करीबी है कैसर, जो कि मारा गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी खौफ में है और कैसे यह सब कुछ हुआ। हाफिज सईद का बेहद करीबी है, पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में खौफ में है आतंकी हाफिज सईद का करीबी कैसर फारूक ढेर कर दिया गया। तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कराची में कैसर फारूक की हत्या की गई जब वो जा रहा था कहीं पर, उसके साथ कुछ लोग और थे। हाफिज के बेटे के अगवा होने की भी खबर है, जो जानकारी सामने आ रही है। बीते चार दिन से कुछ पता नहीं है हाफिज सईद के बेटे का। 28 सितंबर को हिजबुल का आतंकी भी ढेर किया गया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के भीतर खौफ पसर गया है। कराची में आतंकी जियाउर रहमान की हत्या की गई, तो यह पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2021 में हाफिज को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो अब इस घटना के बाद, क्योंकि कैसर अब मारा गया है, और इससे पहले जियाउर की बात करें, ये तमाम जो आतंकी मारे जा रहे, इसके बाद आतंक पसरा हुआ है। 2021 में हाफिज के घर के पास लाहौर में ब्लास्ट भी हुआ था। यही वजह है कि आखिरकार जो पाकिस्तान में हाफिज सईद, उसके जितने गुर्गे आतंकी हैं, वो बेहद खौफ के साए में है। ये तस्वीर देखिए, मुफ्ती कैसर फारूक किस तरह से मारा गया, लश्करे तैयबा का सह संस्थापक। देखिए कुछ लोग उसके साथ आपको नजर आ रहे हैं। गोली लगती है, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, कैसर को मारा है। एक बार फिर से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकी मुफ्ती कैसर कैसे मारा गया। यहां पर आप देखिए, ये बिग वॉल पर, यहां पर आपके सामने ये है आतंकी मुफ्ती कैसर, और यहां पर आप देखिए किस तरह से कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बाद में ये उसके वहां से भागते नजर आते हैं, ये सिर उठाता हुआ भी नजर आता है। ये देखिए, ये एक बार फिर से देखिए कैसे ये जा रहा है, और इसके बाद कुछ बाइक सवार वहां से अज्ञात हमलावर हैं जो कि मुफ्ती कैसर को गोली मारते हैं, और इसके बाद वहां से वो फरार हो जाते हैं। साथ में कुछ लोग यहां चल रहे हैं, कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो कि फिर वहां से भागते हैं। और इस पूरी घटना में ये जो वारदात हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये मुफ्ती कैसर मारा गया है। लगातार आतंकी मारे जा रहे, और एक और ये तस्वीरें बता रही कैसे भारत का एक दुश्मन यहां पर ढेर हुआ है। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने इसको मार गिराया। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर जिस पर सुबह से ही अपडेट्स TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दे, फिर इस खबर पर जानकारी और लेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, और कर्नल रिटायर्ड US राठौर सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर भी हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सबसे जानकारी जरूर लेंगे सर, लेकिन सबसे पहले इरफान हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं, उनका रुख हम करते हैं। इरफान, आतंकी का सफाया हुआ है पाकिस्तान के कराची में, सीसीटीवी फुटेज भी हम देख पा रहे हैं, और ये बेहद करीबी बताया जाता है हाफिज सईद का। अभी तक क्या अपडेट्स पहुंच पाई आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेटबैक है खासतौर पर लश्कर तैयबा को, क्योंकि ये को फाउंडर भी रहे हैं लश्कर तैयबा के, और हाफिज सईद के क्लोज एडीयू में से एक माने जाते हैं मुफ्ती मौलाना कैसर फारूक।
और लगातार लश्कर की तमाम गतिविधियों में इनकी अहम भूमिका रहती थी और इनका मारा जाना कहीं ना कहीं लश्कर के लिए और बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। इससे पहले जिस तरह जियाउर रहमान को भी मारा गया और उनका हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट था और लगातार बैक टू बैक जो सेटबैक है वो आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में लग रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह ये टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां खासतौर पर आतंकी संगठनों के सरगनाओं की ओर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं इससे कश्मीर घाटी में खासतौर पर बहुत ज्यादा फर्क आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही आतंक पर प्रहार शुरू हो चुका है। तो अब जिस तरह मौलाना मुफ्ती कैसर फारूक को मारा गया है लश्कर को एक बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह की गतिविधि इनकी तरफ से की जा रही थी उनमें बहुत हद तक कमी आ सकती है और एक इंटरनल कह सकते हैं जो जंग पाकिस्तान में इन आतंकी संगठनों और इनके जो अपोनेंट्स है उनमें छिड़ी हुई है। साफ तौर पर लग रहा है कि जो ये बिल्कुल जो आतंकी संगठन और जो इनके अपोनेंट्स है यानी कि जो इनका विरोध करते हैं जो इनके खिलाफ गुट है उन्होंने किस तरह से इस पूरी घटना को वारदात को अंजाम दिया और भारत का दुश्मन कराची में ढेर हुआ है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ही जो भारत के दुश्मन है, भारत के विरोधी आतंकी है वो मारे जा रहे हैं। जियाउर रहमान की बात करें या फिर हाफिज सईद के बेटे के अगवा होने की बात करें, ये तक खबर सामने आ रही है। और अब मुफ्ती कैसर ये मारा गया, कैसे आप इन मौतों को देख रहे हैं और हो क्या रहा है ये पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए ये पहले तो ये पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, हमने कनाडा में भी देखा है। बिल्कुल खालिस्तान टेररिस्ट को भी उसको लिक्विडेट किया जा रहा है। तो ये एक पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिक अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान में आईएसआईएस खुरासन तहरीके तालिबान पाकिस्तान लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन ये चार पांच गुट हैं जो अपनी वहाँ पे स्पेस ढूंढ रहे हैं और आपस में इनके गैंग वॉर्स भी हैं, तनाव भी है। अगर आपने एक डेढ़ महीने पहले की बात है जब आपने खैबर पख्तूनवा में देखा था एक पॉलिटिकल रैली में एक पॉलिटिकल लीडर को मारा गया था और उसका जो क्रेडिट है आईएसआई खुरासन ने लिया था। तो अभी पाकिस्तान में हम एक माहौल अपनी देख रहे हैं और स्पेशली जब इलेक्शंस आने वाले जनवरी में ये गतिविधियां और भी बढ़ेंगी। आप अभी देखेंगे इलेक्शन रैली होंगी, कैंपेनिंग होगी, वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट होंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी आज इतनी शक्तिशाली नहीं रही है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें आईएसआई की फंडिंग भी कम हुई है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो इनको प्रोटेक्शन जो आईएसआई दे पा रहा था पहले अभी वैसी प्रोटेक्शन आईएसआई नहीं दे पा रहा है। सर ये भारत के दुश्मन है जो कि विदेशों में मारे जा रहे हैं, चुन चुन कर इनका खात्मा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर ये, विदेश में भारत के दुश्मनों की चुन चुन कर हत्या हो रही है। कराची में मारा गया हाफिज का करीबी मुफ्ती कैसर। हाल ही में दो खालिस्तानी आतंकी भी मारे गए, कनाडा में आतंकी निज्जर और सुखा मारे गए जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे थे। तो देखिए चाहे कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की खबर हो या फिर पाकिस्तान के कराची से आई ये खबर जिसमें आतंकी मारा गया है। तो देखिए कनाडा में चाहे वो खालिस्तानी आतंकी हो या फिर पाकिस्तान की तस्वीरें जो सामने आ रही है जहां पर एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं, इस पर बड़ी जानकारी क्या, कैसे भारत के दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे हैं। ये ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विदेश में भारत के दुश्मन कैसे ढेर हो रहे हैं। आज का वाकया मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर का ये सह संस्थापक कराची मारा गया, तस्वीर इस वक्त लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा सुखदूल सिंह और सुखा जो कि अभी कुछ दिन पहले गैंग वॉर का शिकार हुआ जो कि मारा गया कनाडा में, कनाडा के विनिपेग में इसको ढेर किया गया था। और इससे पहले दो तीन महीने पहले आपको पता होगा जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी, कैसे वैंकूवर में इसको ढेर किया गया था कनाडा में। जानकारी इससे पहले आपको जो हमने बताया जियाउर रहमान हिजबुल आतंकी कराची मारा गया, जहूर मिस्त्री वॉन्टेड था IC 814 विमान हाईजैक में और इसकी भी कराची में मौत हुई, मारा गया ढेर हुआ।
हुआ। रिपु दमन सिंह मलिक वांटेड था 1985 एयर इंडिया बम अटैक का, जो कनिष्ठ विमान का था कनाडा के, जिसमें नागरिक मारे गए थे। इस मामले में कनाडा के सरे में हत्या हुई रिपु दमन सिंह मलिक की। पूरे ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन, मोहम्मद लाल वांटेड था ISI ऑपरेटर, नेपाल में मारा गया। हरविंदर सिंह संधु जो कि वांटेड था 2021 पंजाब RPG हमले का, लाहौर में इसकी मौत हुई। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर और रावलपिंडी में इसको ढेर किया गया। एक एक करके देखिए कैसे विदेशी सरजमी पर भारत के दुश्मन ढेर हो रहे। सैयद खालिद रजा अल बद्र कमांडर जो कि कराची में मारा गया। अंजलि जी हाँ, जिन लोगों के नाम हमने आपको बताया ये सभी भारत के दुश्मन थे, आतंकी थे, जिनका खात्मा हो गया। कर्नल राठौर, अब आतंक का दुश्मन किस तरीके से आतंकी दुश्मनों को मारा जा रहा, आतंक का व्यापार अब बंद हो जाएगा, क्या अब हाफिज सईद की बारी, क्योंकि हाफिज का करीबी तो मारा गया है। देखिए हाफिज सईद बहुत दिनों से निशाने पर है, ये जो टेरर का बिजनेस है इसमें आपस में भी बड़ी ज्यादा एक दूसरे से रंजिश होती है। ये जैसे कराची में मारा गया है, कराची में टेरिटरीज बटी हुई हैं जिससे ये वसूली करते हैं, तो ये वहाँ पर अपना भी सुप्रीमेसी बनाने के लिए करते हैं। हाफिज सईद की बात ऐसी है, हाफिज सईद को ISI का प्रोटेक्शन है। 2014 में इसके घर के सामने ब्लास्ट हुआ था, हाफिज सईद के भी दिन बिल्कुल गिने चुने रह गए। उसे कौन मारे, कब मारे, कहाँ मारे, सिर्फ वक्त बताएगा। अगर हाफिज सईद समझता है कि वो एक नेचुरल मौत मरने वाला है तो वो गलत है। वही चीज जैसे मोहम्मद के सरगना के लिए है और वही चीज हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना के लिए है। ये अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर किसी दिन कोई कहे कि भारत इसे को कर रहा है, एक नए भारत का उदय देख रहा हूं जो अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर निपट सकता है। जी